हेलो एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम। यहां पर आपको मिलने वाले हैं सभी एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो बच्चों तैयार हो जाओ, बहुत कम टाइम में इस यूनिट की कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर करने के लिए। लेट्स बिगिन। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दी केमिकल रिएजेंट विच इज यूज इन क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो यार, क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है ना कि एल्डिहाइड या कीटोन सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किशनर रिडक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सीधे सीधे एल्डिहाइड या कीटोन को आप हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हो। बात अगर क्लेमेंसन रिडक्शन की करें तो वहां पर यूज करा जाता है अमलगमेटेड जिंक विद कंसंट्रेटेड HCl। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, जहां पर एल्डिहाइड या कीटोन को हम सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिएजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following reaction convert acetone? बेटा acetone ketone family का member है और मैंने थोड़ी देर पहले बताया aldehyde या ketone से हाइड्रोकार्बन बनाना है तो भाई दो ऑप्शन है, एक Clemmenson reduction, दूसरा Wolff-Kishner reduction। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एसीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, बताओ कौन सा रिएक्शन होगा। और यहां पर हमें ऑप्शन जो दिख रहा है तो इन ऑप्शन में ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वोल्फ-किशनर रिएक्शन ये है जो एसीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। और कैसे करता है मैं इक्वेशन लिखकर देता हूं आपको। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एसीटोन को लिया है, एसीटोन का रिएक्शन हाइड्राजीन से करा रहा हूं। तो वोल्फ-किशनर रिएक्शन में एसीटोन हाइड्राजीन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH which is present in इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो भाई होता यह है कि सबसे पहले ये H2O निकल जाएगा और ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से आकर जुड़ जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, फाइनली हमारे पास ये 2 नाइट्रोजन बच रहे हैं तो प्लस आ जाएगा N2 और जो H2O निकला था वो हम लोगों ने लिख दिया। तो इस तरह से एसीटोन को हम सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग वोल्फ-किशनर रिडक्शन। एंड रिमेंबर बच्चों, एसीटोन में 3 कार्बन है, 1, 2, 3। हाइड्रोकार्बन में भी 3 कार्बन है तो एसीटोन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। दिस रिएक्शन इज वोल्फ-किशनर रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इन टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड। देखो यार, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज कर देता है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टॉलेंस रिएजेंट का काम है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, सबको ऑक्सीडाइज करता है और देता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच इज यूज टू ऑब्टेन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड को एल्डोल कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो। और बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड तब बनते हैं जब हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो एसिडिक हाइड्रोजन फौरन जंप करके पीछे वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा और जैसे ही ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो फाइनली ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को बुलाकर बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा? OH। और कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो इस कार्बन के दोनों CH3 ऑक्सीजन पे आ जाएगा हाइड्रोजन तो ये बन गया OH। फाइनली आगे वाला अल्फा कार्बन बचेगा CH2 के आगे है CO CH3। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा। अगर बीटा पे OH है तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो बच्चों ये बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड और बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड को भी एल्डोल कहा जाता है। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कई बार बच्चों को लगेगा कि सर क्रॉस एल्डोल क्यों नहीं है। देखो यार, क्रॉस एल्डोल में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, हालांकि वहां पर भी आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना सकते हो, लेकिन जब क्रॉस और सिंपल एल्डोल दोनों ऑप्शन में हो तो हमारी प्रायोरिटी होती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म। अगर आप बेंजल्डिहाइड का अमोनिया से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, तो चलिए रिएक्शन करके बताता हूं। आप लोग अगर ध्यान से नोटिस करें तो मैंने इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड की ली हैं 3 यूनिट्स, फर्स्ट बेंजल्डिहाइड, सेकंड बेंजल्डिहाइड एंड थर्ड बेंजल्डिहाइड, और अमोनिया लिए हैं 2। अमोनिया होता है NH3, जिसको मैंने इस तरीके से लिखा है NH2 विद 1 हाइड्रोजन NH3, तो टोटल 2 अमोनिया लिए हैं। तो होता यह है कि पहले ये वाले अमोनिया का H2O निकलेगा, फिर ये H2O निकालेगा एंड फाइनली ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर इस ऑक्सीजन को निकालेंगे। तो टोटल हमारे पास फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड और थर्ड, मतलब टोटल यहां पर निकलेंगे 3H2O। और 3H2O निकलने के बाद बच्चों हमारे पास यहां पर ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बच रहा है C6H5CH, तो ऐसे टोटल हमारे पास हो रहे हैं C6H5CH का होल थ्राइस, और यहां पे आ रहे हैं 2 नाइट्रोजन, तो N2, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोबेंजामाइड, इसे कहा जाता है हाइड्रोबेंजामाइड। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोबेंजामाइड। कई लोगों के दिमाग में डाउट आता है यूरोट्रोपिन, तो बेटा यूरोट्रोपिन तब बनता है जब आप फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराओ विथ अमोनिया। अगर फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया का कराओगे तो यूरोट्रोपिन बनेगा भाई, और अगर बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराओगे अमोनिया के साथ तो बनेगा हाइड्रोबेंजामाइड। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपसे कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा गया है। अब इस पूरे कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन वाला, और यहां पर सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है COOH। तो भाई जिस कार्बन पे COOH है वो कार्बन नंबर 1 होगा, और हमें पता है कि लोएस्ट सम रूल फॉलो करते हैं, मतलब हम कम से कम नंबर दें ग्रुप्स को जो बेंजीन से जुड़े हैं। तो ये आएगा कार्बन नंबर 2 और यह आएगा कार्बन नंबर 4। तो सेकंड कार्बन पे अमाइनो है, अमाइनो आता है A से, फोर्थ पे हाइड्रोक्सी है जो आता है H से, अल्फाबेट में A पहले आता है तो भैया ये होगा 2 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन विद COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। ये एक्चुअली बेंजोइक एसिड है। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है A। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर बेस्ड 2 क्वेश्चन कंफर्म है, तो आप लोग कोशिश करो खासतौर से एरोमेटिक और बॉन्ड लाइन वाले कंपाउंड की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। देखो यार विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, दैट इज इथेनोइक एसिड। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं, तो ये वाला कंपाउंड कहलाता है एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। इन सारे कंपाउंड में अगर आप नोटिस करोगे तो इन सभी कंपाउंड में 1 कार्बन है और उसके साथ COOH है। सभी कंपाउंड में डिफरेंस हेलोजन का है, कहीं फ्लोरीन, कहीं क्लोरीन, कहीं ब्रोमीन और कहीं आयोडीन। तो साइड ब्रांच जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। साइड ब्रांच सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, सो करेक्ट आंसर इज C। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रांच उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एसिड। डाई एसिड का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके एक फॉर्मूले के अंदर डबल COOH हो, पहला COOH दूसरा COOH। डाई एसिड कैन बी इजिली गिव्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। देखो बच्चों इन सारे ऑप्शन में अगर हम देखें तो मैलेइक एसिड जो होता है, इन सारे ऑप्शन में सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होने वाला कंपाउंड है मैलेइक एसिड, क्योंकि मैलेइक एसिड को जब आप हीट करोगे तो ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा और फाइनली बनाएगा मैलेइक एनहाइड्राइड। और कैसे बनाएगा मैं आपको बता रहा हूं। तो फाइनली मैलेइक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो बहुत आसानी से बना देता है मैलेइक एनहाइड्राइड। तो बच्चों सबसे आसानी से एनहाइड्राइड बनाने वाला, सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन करने वाला कौन सा डाई एसिड है, तो आंसर है मैलेइक एसिड। ये हमारे नीट और JEE लेवल के एग्जाम्स में भी काम आने वाला क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एसिट अमाइड इज हीटेड विद एनहाइड्रस P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो एसिडिक एनहाइड्राइड होता है CH3CONH2। एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग जब जैसे भी एसिड अमाइड को हम लोग हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दीज 2 हाइड्रोजन विद दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म H2O, और फाइनली हमारे पास बचेगा CH3CN, तो यह आ जाएगा CH3CN। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, तो ये कहलाएगा ईथेन, और CN का सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईथेन नाइट्राइल, और जो कि हमें ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। जहां भी P2O5 आएगा वहां पे आपको करना है डिहाइड्रेशन, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये हमारा एमसीक्यू कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं असर्शन रीजन। एक बार आप असर्शन रीजन के सारे पॉइंट्स देख लो कि ऑप्शन ए बी सी और डी कब आएगा। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो पहला असर्शन रीजन, और हमारा पहला असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये बात बिल्कुल सही है भैया, बेंजोइक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाता, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आप लेते हो एनहाइड्रस AlCl3, और ये एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये बेंजोइक एसिड के कार्बोनाइल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ना बेंजोइक एसिड का, उस कार्बोनाइल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा, फर्दर रिएक्शन हो गई नहीं। इसका मतलब बेंजोइक एसिड फ्रीडल-क्राफ्ट में किसी काम का नहीं है। दूसरा पॉइंट, द कार्बोक्सी ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में ये जाता है। दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12, मीथेनॉइक एसिड रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फेहलिंग सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। मीथेनॉइक एसिड की अगर हम बात करें HCOOH, इस मीथेनॉइक एसिड में फॉर्मल्डिहाइड की तरह हाइड्रोजन फ्री है, जिसकी वजह से टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, फेहलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, सिल्वर मिरर दे देगा, रेड पीपीटी दे देगा अलग अलग रिएक्शन में। फिर अगला पॉइंट ये है, मीथेनॉइक एसिड अकर इन अ वैरायटी, ये वैरायटी ऑफ बाइटिंग प्लांट, ये गलत है भाई, वैरायटी में नहीं है। कुछ लिमिटेड प्लांट, कुछ लिमिटेड इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें प्रेजेंट है, लेकिन लार्ज वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स में ये चीज प्रेजेंट हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रीजन को हम लोग पूरी तरह से करेक्ट नहीं मान सकते। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13, बोथ ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड एंड पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड हैव सेम मॉलिक्यूलर वे एंड शो हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी और पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन भैया दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन अलग है। अगर हम बात करें ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, तो ये बनाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो ये बनाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बनाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर और एक बनाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड इज मोर, और ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन भैया दोनों एक दूसरे से 100% कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज इजियर देन एल्डिहाइड। क्या ये बात सही है, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान है? तो ये बिल्कुल गलत है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान है, आप हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छोड़ दो जैसे टॉलेंस और फेलिंग, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट, पहला स्टेटमेंट गलत है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अब पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तो नॉर्मली सही होता ही होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी। और फाइनली बच्चों, इसी के साथ हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट और उसकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।